a1 f1x plus minus a2 f2x. And c for e1 and b2 with a x. दो फंक्शन का सम हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है उसका पीरियड क्या होगा. अगर दोनों का पीरियड अलग अलग है तो आपको उसका एलसीएम फाइंड करना है. अगर फाइंड कर सकते हो जैसे देखो साइन 2x प्लस कॉस 3x, ठीक है. अब इसका पीरियड क्या होता है 2π/2, इसका 2π/3, ये हो गया 5 और 2π/3. इसका एलसीएम बता सकते हो 5 और 2π/3 5 और 2π/3 का एलसीएम कितना होगा बताओ. 2π/3 होगा 2π/3 होगा ना कि नहीं होगा. 2π होगा 2π होगा क्या होगा बताओ. 3π/2 एक बार अगर मैं पूछता हूँ साइन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका पीरियड कितना होता है 2π/2 और इसका इन दोनों का एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते तो इसका ये पीरियडिक फंक्शन नहीं फाइंड नहीं, ठीक है. अब देखो मान लो कोई फंक्शन है f1x उसका पीरियड है वो है m/n, ठीक है. m और n क्या है रेशनल. और f2x कोई फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है f1x plus minus f2x का पीरियड क्या होगा. इसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ m कॉमा b. ये दोनों जो न्यूमरेटर टर्म है ना इसका एलसीएम और दोनों जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका एलसीएम आपको मॉर्निंग में बताएंगे. अगर ऐसा करते हुए कोई ऐसी वैल्यू k आ जाए जो इससे लेस, मान लो ये जो है इसकी वैल्यू t आ और ये पीरियड आपने फाइंड कर लिया, दो फंक्शन का सम हो रहा है एडिशन या सबट्रैक्शन तो आपने पीरियड फाइंड कर लिया t. मान लो कोई k ऐसा आ गया k लेस देन t जो t से छोटा है तो f1 x + k प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस के इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स बना रहा. प्लस करने पे वही टर्म मिल गया तो इसका टाइम पीरियड फिर क्या हो जाएगा के. मतलब यही बात इसके लिए भी वैसे फॉर्मूला तो ये होता है, कंसेप्ट है वो ये है कि दोनों का एलसीएम फाइंड करो. लेकिन एलसीएम फाइंड करने के बाद भी अगर कोई के या कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है रियल पॉजिटिव वैल्यू जो इससे छोटी जो आपका फाइंड किया उससे छोटी लेकिन उसके लिए f ऑफ x प्लस k इक्वल टू f ऑफ x आ रहा है तो अब उसका पीरियड कितना हो जाएगा k होगा. ये बात समझ में आई बोले इसका पीरियड बताओ दोनों का कंबाइन क्या हो. दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने इसके अकॉर्डिंग देखो क्या इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ
और इसके अकॉर्डिंग एलसीएम न्यूमरेटर टर्म का एलसीएम बोलो 5/2 इसका एलसीएम कितना 5/2 का एलसीएम 2/2 होगा होगा ना और 1/3 का एलसीएम 1 एचसीएम पूछ रहा हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो आप देखो 2/1 मतलब 2/ तो इसका जो पीरियड है वो 2/ होगा क्या ये बात समझ में आई 2/ होगा चेक कर लेते हैं तो ये फंक्शन है f(x) f(x+2π) बताओ sin x की जगह मैं लिखता हूं 2π कितना आएगा sin 2x+2 प्लस cos 3x+2 ये कितना हो जाएगा sin ऑफ 2x+4π और प्लस cos ऑफ 3x+6π कोई बताएगा 4π प्लस थीटा sin में कितना होता है sin 4π प्लस sin 9 थीटा तो sin 2x आ जाएगा और cos 6π प्लस cos ऑफ 3x क्या ये बात समझ में आई तो जो फंक्शन था वही फंक्शन आपको मिला 2π प्लस करने पे मतलब इसका पीरियड क्या हुआ 2 अब हम पाई पे भी चेक करें क्या k कोई ऐसी वैल्यू बन रही है छोटी f ऑफ x प्लस पाई देखना f ऑफ x प्लस पाई sin ऑफ 2 x प्लस पाई प्लस cos ऑफ 3x+2 समझ आ गया ये कितना हुआ sin 2x+2 ये कितना हुआ cos 3x+3 sin 2π+θ sin θ होता है तो ये sin 2x है cos 3π+θ minus cos θ ये minus cos of 3 मतलब फंक्शन के इक्वल वैल्यू नहीं है तो पाई इसका पीरियड भी तो इसका पीरियड कितना हुआ 2π क्या ये बात दोनों कांसेप्ट आपको समझ में आए अगर आप एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हो तो उसका पीरियड डिफाइन नहीं है क्लियर आप ये नोट कीजिए दोनों पॉइंट ये आप लोगों ने मैं जो जो क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग सॉल्व करके बताइए इनका पीरियड क्या है Yeah.
f of x sine of nx by sine of x by n. चलो बताओ फर्स्ट आंसर 15 by कितने लोग बोल रहे 15 by होगा और जिनका आंसर 15 by नहीं है उनका आंसर क्या 5 by आपका आंसर क्या है फर्स्ट का 5 by आपका कितने बजे ये तो नंबर 15 by आपका क्या आंसर होगा बेटा 5 हाँ देखो 15 by बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब चलिए ये कहाँ से मिला उसको चेक कर cos x इसका जो है पीरियड होता है अगर 2 by होता है अब x का कोएफिशिएंट कितना है 2 by 3 उससे डिवाइड करो 2 by 4 2 by 3 से डिवाइड अच्छा ये भी तो बताना पड़ेगा है ना डिवीजन क्या होगा ये भी बताना ये होता है 3 by ठीक है अब ये देखो ये कितना है 2 by 5 4 by 5 ये कितना हो जाएगा 5 by 2 5 by 2 अब देखिए जो भी न्यूमरेटर वाले टर्म है उन दोनों का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 और डिनोमिनेटर में जो है 1 और 2 का एलसीएम होगा 15 by हुआ 15 by हुआ ना किसी को डाउट सीमा आपको डाउट है बेटा 15 by कैसे आया बताओ चलिए ठीक है फर्स्ट का जो आंसर है 15 by सेकंड वाला बताओ पक्का ये तो मॉर्निंग में करवाया ये वाला बताओ 2 by आएगा नेक्स्ट का बताओ हाँ इसका तो निकलेगा नहीं काम करो देखो जीआईएफ को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं ना जीआईएफ क्या करता है डेसिमल वाली वैल्यू को हटा देता है और फ्रैक्शन का मतलब वही प्लस को क्या लिखूंगा 2x माइनस प्लस 3x माइनस अप टू nx माइनस क्या ये बात समझ आ रही है अब माइनस ऑफ n इनटू n प्लस 1/2 इनटू अब मुझे बताओ ये x प्लस 2x प्लस 3x अप टू n इन सब का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा n इनटू n प्लस 1/2 इनटू x इन सभी में से x कॉमन निकलेगा
सम हो जाए 5 + 2 + 3 + 4 = 10, ये 1 + 2 + 3 = 10 और x कॉमन, माइनस बाहर ये बना आपका फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 3x और तो फ्रैक्शनल पार्ट n और ये माइनस है n इनटू n प्लस 1/2। अब इसकी वैल्यू तो n इनटू n प्लस 1/2 है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका जो पीरियड होता है वो होता है 1, इसका 1/2, इसका 1/3, नेक्स्ट 1/4 अप टू 1/n। जब इन सब का एलसीएम निकालोगे तो क्या 1/2, 1/3, 1/4 इन सब का एलसीएम क्या मिलेगा 1। वेरी गुड, ये बना 1, तो इसका पीरियड कितना हुआ 1। अगर मैं ये माइनस नहीं करता तो क्या पीरियड फाइंड कर सकते थे? नहीं। नेक्स्ट ये बताइए एन की क्या वैल्यू, इसका पीरियड कितना होगा 2π/n। n की वैल्यू हमें पूछी है, हमें नहीं पता n क्या है, हम तो मॉड्यूलस लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसका पॉजिटिव पार्ट ही होगा, और इसका पीरियड होगा 2π/1/n, यही होगा। मतलब इसका पीरियड हुआ न्यूमरेटर का 2π/n और इसका हुआ 2n पर। क्या ये बात समझ में आई? देवा अब इन दोनों का एलसीएम बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना 2n पर और इसका तो 1 ही आएगा एलसीएम। अब सुनो, ये बोला है कि इसका पीरियड आपको ऑलरेडी गिवन है 4π, हमारे हिसाब से कितना आया 2n पर, किसके इक्वल हुआ तो मॉडुलस m से इक्वल हुआ n पर, n की वैल्यू बस समझ गए, पक्का समझ में आ रहा है? आएगा? सब लोगों
में पाए बता रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि पाए होगा, और बाकी जो लोग नहीं बोल रहे वो क्या कहना चाहते हैं बोलो। सबसे पूछिए बंदा है चलो बंदा सबको कुछ नहीं कुछ आंसर देना पड़ेगा, बस बोलना कि नहीं पता। ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते जय, उसका पीरियड कितना होगा तो बोल बेटा इसका मतलब मैंने जो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी वो किसी ने नहीं बोली। ठीक है के भाई थोड़ा पता दो इसका पीरियड बाय बाय टू नहीं होगा, कैसे वो साइन एक्स प्लस बाय बाय टू प्लस कॉस एक्स प्लस बाय ये कितना होगा cos pi by sin pi by 2 plus theta cos x ये minus sin x होता है, लेकिन modulus क्या बना रहेगा ये same ही था। वैसे आपने जो बोला हुआ ऐसे इस तरह से आंसर दिया कि इसका pi होता है इसका pi होता है ऐसे इन दोनों का pi, लेकिन मैंने कंडीशन और बताई k, तो आप ये ध्यान रखना कि sin cos का पैटर्न हो या टेन क्वाड का पैटर्न, तो उस टाइम ध्यान से जो भी एलसीएम आएगा उसको हाफ करना मत भूलना। ठीक है जैसे एक और एग्जांपल सी एन एस टू फोर एक्स प्लस क्वाड एस टू फोर एक्स एक इसका पीरियड बताओ
काम इसलिए नहीं होगा कि पाई बाय टू प्लस पे साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, माइनस साइन, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन, और पाई बाय टू प्लस पे ये कॉस और ये साइन, तो माइनस आएगा, अगर दोनों पे माइनस आता, यहाँ पे एक जगह माइनस है तो पाई बाय टू तो नहीं हो सकता, पाई प्लस चेक कर, साइन पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये मॉडुलस क्या बना देगा, प्लस cos pi plus theta minus of cos theta, तो आगे minus आ जाएगा, इधर भी ये plus और आगे minus, फिर भी function नहीं बैठ, फिर 2 pi चाहिए, 2 pi से तो हमें पता ही है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, या फिर दूसरा तरीका, इसका मुझे पता है, इसका period कितना होता है, pi, और इसका, दोनों का LCM, 2 pi, मतलब इसका 2 pi नहीं है, ठीक वैसे ही, इसका कितना होता है, pi, इसका दोनों का एलसीएम 2 पाई, फिर इन दोनों फंक्शन का, इन दोनों का एलसीएम 2 पाई, तो इसका कितना हुआ, ठीक है, इसका पीरियड है 2, इसका देखो, मैंने बोला ये पीरियडिक फंक्शन,
ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये एक कंसेप्ट बता दूं, एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), ध्यान से देखें। इसका जो पीरियड है वो रेशनल है, इसका भी रेशनल, तो इन दोनों के एलसीएम से आपको क्या रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, रेशनल नंबर मिलेगा, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा रेशनल, क्लियर। दूसरा, इसका तो रेशनल है और इसका ही रेशनल, उन दोनों का एलसीएम आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे, एलसीएम फाइंड नहीं कर पाओगे तो पीरियड नॉट निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल, उसका पीरियड अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो नॉट निकलेगा, अगर ये दोनों डिफरेंट है, अगर ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल और दोनों एक ही तो उनका पीरियड डिफाइन हो सकता है और वो वही होगा जो इन दोनों का। जैसे एकदम मैंने बोला साइन ऑफ 2x बाय रूट 3 प्लस कॉस ऑफ 3x बाय रूट 2, ये दो फंक्शन, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसका मैंने पीरियड बताओ, अब आप क्या बोलोगे, इसका तो 2 पाई होता है, 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3, ये कितना होगा 3 पाई, ये होगा इसका बताओ 2 पाई बाय 3 बाय रूट 2, ये आएगा तो ये होगा 2 रूट 2 पाई बाय। अब देखो दोनों इरेशनल है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका पीरियड आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर। अब इसकी जगह ऐसा ना हो के और ऐसा हो, ऐसा होगा, अब आपसे पूछता इसका पीरियड बताओ, तो आप क्या बोलते हैं 2 पाई बाय 1 बाय 2 रूट, ऐसे बोलते हैं इसका 2 पाई बाय 3 बाय, समझ आ रहा है, ये हो जाएगा 4 रूट 2 पाई, ये हो जाएगा 2 रूट 2 पाई बाय 3, अब बताओ 4 रूट 2 पाई और 2 रूट 2 पाई, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम 4 रूट 2 पाई बाय 1, ये हो गया आपका। तो अगर दोनों रेशनल है तो आप एलसीएम फाइंड करके उसका पीरियड फाइंड कर, एक रेशनल और एक इरेशनल है तो आप कभी भी फाइंड नहीं कर, दोनों इरेशनल है दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो भी फाइंड नहीं कर, दोनों एक जैसे है लगभग, ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हो। अब इसको देखो, साइन एक्स है उसका पीरियड होता है 2 पाई, कॉस ए एक्स है उसका पीरियड होगा 2 पाई बाय ए, ठीक है। अब आपसे पूछा कि ये पीरियड है, अब ये रेशनल है, अगर इसको पीरियडिक होना है तो ये भी रेशनल होगा, तो मान लो ये इरेशनल होता तो इनका एलसीएम आप फाइंड कर ही नहीं सकते, ये पीरियडिक होता ही, जो ने बोला है पहले कि ये पीरियडिक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो रेशनल हो, समझ आया, ए क्या होना चाहिए। अब इसको देख इसका क्या वैल्यू मिलेगी, कोई बता सकता है? अच्छा लीनियर, लीनियर फंक्शन होता है वो पीरियडिक होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है ये तो पता है आपको, लाइन है जैसे y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x माइनस 1, ये एक लाइन होती है, ऐसे लाइन होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ये कभी भी पीरियडिक नहीं होती, ये वैल्यू रिपीट करते ही नहीं आगे से आगे बढ़ते जाते, ठीक है ना। क्या मैंने आपको मॉर्निंग में कुछ ऐसा बताया था कि कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियडिक होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होते हैं बट उनका पीरियड डिफाइन है, बोला था ना। अब ये देखो इसका x क्या है, इसका मल्टीपल कुछ भी कांस्टेंट पॉइंट है कोई भी, ये लीनियर फंक्शन हुआ, अब ये कभी भी नहीं हो सकता क्या पीरियडिक। अब इन्होंने बोला कि पीरियडिक फंक्शन, इसका मतलब ये हो सकता है कि x का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या बने बचेगा कांस्टेंट, और वो तो पीरियडिक होता है, तो पीरियडिक होता है, इसका मतलब a प्लस 3 क्या होना चाहिए, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, माइनस, समझ गए। ये आपने नोट किया, f(x+4)
plus f of x minus 4 equal to f of x. पीरियड प्लीज सब्सक्राइब इस फंक्शन का पीरियड इस तरह के फंक्शन का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे इस तो प्री 11 के अंदर मैंने फंक्शनल इक्वेशन जो बताई दिया फंक्शन बने पढ़ने के बाद टाइप का भी इक्वेशन बताई मैंने बहुत सारे एट टाइप की अगर आपने लिखी हो तो नोट फॉर्म के आपके पास अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे f of x plus 4 और f of x minus 4 equal to f of x है इसका पीरियड फाइंड हम लोग क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे किससे x plus 4 ठीक है जहां जहां x लिखा हुआ उसके जगह x plus 4 तो ये आया इससे क्या बनेगा f of x plus 8 हो गया इनका ये f of x हो गया और ये हो गया f of x plus 4 क्या ये बात समझ में आ रही इक्वेशन को आप किसी को डाउट है अब हम क्या करेंगे जो भी x है उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस 4 से एक बार फिर ठीक है ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें ये जो 3 टर्म है उसमें से कोई दो टर्म है अब बताना x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो क्या मिला x प्लस 4 ये x प्लस 4 ये ठीक है अब क्या आपके पास f of x plus 4 की वैल्यू है Yes. x plus 4 की है ये मैं यहाँ पुट करता हूँ f of x plus 12 plus f of x plus 8 plus f of x equal to f of x plus 8 क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को तो f of x plus 8 और f of x plus 8 को सेट अब आपको मिला क्या f of x plus 12 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री बात समझ में आई अब मैं एक्स को रिप्लेस करता हूं एक्स को एक्स प्लस 12 एक्स को रिप्लेस किया एफ प्लस 12 तो ये क्या बन जाएगा अभी एफ ऑफ एक्स प्लस 24 और ये क्या बन गया एक्स प्लस 12 यही बात समझ में आई और ये इसके इक्वल अब या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर ये भी जीरो के इक्वल है ये भी जीरो के इक्वल दोनों को इक्वल कर दो एक ही बात तो अब आपको क्या मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 20 ठीक है पीरियड कितना हुआ 24 इस फंक्शन का पीरियड है वो 24
साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड बताओ। बता दो जल्दी से।
कितना बता दो, इसका पीरियड कितना होगा? 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका पाई अपॉन पाई 1, पाई अपॉन 2 पाई 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 2000 है, ये हो जाएगा। उन सभी का एलसीएम बिल्कुल वेरी गुड, इसका जो पीरियड है वो 1 है, ठीक है। इसका बता दो, साइन एक्स की और पावर है उसके लिए 2 बाई, रिवन पावर के लिए पाई, और कैल्सियम पाई और 2 बाई का 2 बाई। तो आपका पीरियडिक फंक्शन है वो कंप्लीट हुआ। कल हम लोग फंक्शनल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनली लोग Thank you.